पुस्तकस्य तुया विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम् क्षणक्षः कणश्चैव विद्यायाम् अर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। ठीक इसी प्रकार से अपनी भाषा की अवहेलना करना किसी मानस रोग से अल्प नहीं है। समझ क्या है? याद रहे पहले भाषा ही हमें बनाती है। बाद में सरस्वती के कुछ भरत पुत्र भाषा को भी बनाते हैं। जिस भाषा को हम जन्म से ही सुनते जानते और जिस परिवेश में रहते हैं उसमें हम गढ़े जाते हैं। यदि उसी की उपेक्षा कर बचपन से ही अन्य भाषा की आराधना हो तो बच्चे प्रायः किसी भी भाषा पर अधिकार नहीं कर पाते। उनका व्यक्तित्व अधूरा ही रह जाता है। सभी चिंतकों ने माना है कि बच्चों को पहले अपनी भाषा अच्छी तरह सीखनी चाहिए, फिर यदि वह अन्य भाषा सीखना चाहे तो उत्तम है। अपनी भाषा सीखने के लिए अपनी ही भाषा में लिखा गया उचित साहित्य पढ़ना ही एकमात्र साधन है। किंतु दुर्भाग्यवश अपने देश में ऐसा नहीं हो रहा है।